इंडिया और स्पेसिफिकली गुरुग्राम में ना, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपकी गाड़ी के स्किल मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपकी साइन लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। आई विल टेल यू, जैसे दो दिन की पहली बात है कि हम लोग ऐसे जा रहे थे रोड पे, अचानक से ग्रीन लाइट हुई तो हम लोग ने गाड़ी ऐसे बढ़ाई आगे, तो एक बंदे ने ऐसे एकदम से काट ली, पर वो काट नहीं पाया। अब इस बंदे का पहला सवाल गाड़ी के शीशे से, कहाँ दिखता नहीं है क्या, ग्रीन लाइट हो गई है? इसका जवाब था, नहीं दिखती। कहता पागल हो गया क्या तुम, कह रहा तू पागल, कह रहा दिमाग घर पे रख क्या, कह रहा तेरे पास तो है ही नहीं। और आप गौर करना, जो साथ वाला बंदा बैठा था उसका सिर्फ एक ही काम होता है, अरे इग्नोर ना, अरे जाने दो, वो तो पागल है, ये छोड़ो ना, ये चल रहा है। उसने बोला ब्रेक लगा ले, कह रहा तू लगा ले ना। और इसके बाद हुआ, कहता मारूंगा, तो सामने कहता ले पिट लिया। वो कह रहा भग भग, और दोनों चले गए। क्या देखा आपने, एक इको फ्रेंडली लड़ाई। आपने सुना है वर्क फ्रॉम होम, मैंने देखा फाइट फ्रॉम कार। ये जलता आपको, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो गूगल मैप के बिना जिंदा नहीं रह सकता, जस्ट रेज योर हैंड। सभी हो चुके हैं। मैं ना हर दिन अपने घर जाता हूँ गूगल मैप से, और हर दिन एक नए रास्ते से। जब मैंने घर लिया तो बिल्डर ने बोला हमने सिर्फ ही दो रास्ते बनाए हैं, 50 तो मैं इंटरनली डिस्कवर कर चुका हूँ, नदी पहाड़ इमिग्रेशन, पर मैं निकल ही आता हूँ कहीं ना कहीं। एक तो मेरी किस्मत क्या ना, मैं डायरेक्शन के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्शन के साथ क्या होता है कि ना, जैसे अगर मैं बोलूँ मैम आपका घर का नंबर 94 है और मुझे आपके घर में आना है, ठीक है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 91 92 93 साथ में होंगे, पर 94 आपका पहाड़ पे होगा। आप तक पहुँचने के लिए मुझे मतलब मांझी बनना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे सोसाइटी में यहाँ रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आसपास कौन रहता है, कौन सा नंबर है। एक दिन मैं जा रहा रोड पे, अचानक बंदे ने पूछा, कह रहा भैया ये नंबर कहाँ पड़ेगा? मैं कहा मैं तो यहाँ रहता ही नहीं। तो वो बोला भैया वो तो ठीक है, बट आप हाफ पैंट में दो अंडे लेके घूम रहे हो, यहाँ पे ऐसी कौन सी मुर्गी है जो फेमस है जिसके अंडे लेने आप इतनी दूर तक आए? तो पकड़े जाते हैं ऐसे में। अब होता कहना कि आप हर दिन आप गूगल मैप से ट्रैवल करते हो, अब हर दिन निकलते हो आप घर से 10 मिनट लगभग लेट, क्योंकि हमारे पास होता है इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम कहते हैं कि 10 मिनट तो हो जाता है। अब गूगल मैप दिखा रहा है आपको जहां जाना वहां लगेंगे पूरे 45 मिनट। अब आप सब लोग गूगल मैप से कंपटीशन लड़ते हो कि मैं 35 में करूंगा गूगल, तुझे मैं आज हरा के दिखाऊंगा गूगल। अब आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से गूगल मैप कहता है ये पड़ रहा है आपको शॉर्टर रूट, आपने गाड़ी वहीं घुमा ली क्योंकि आपको लग रहा है 5 मिनट आपके बच रहे हैं। होता क्या है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था कि पतली गली आएगी, चौड़ी गली आएगी, फिर हाईवे आ गया और आप निकल लिए। एक दिन क्या हुआ, पतली गली आई पर चौड़ी नहीं आई। आप यकीन मानो जब मैं उसमें घुस रहा था तो मैंने दो लोगों के दरवाजे बंद किए थे, दो लोगों के कूलर मेरे बोनट पे लगे थे चेक करके। मैंने कहा हो बस इतना ही तो जाना है, ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी का नाप लेके गली बनाई थी, उन्होंने गाड़ी रखी स्केच पेन से लाइन बना दी। इतनी पतली गली कि मैं बता सकता हूँ कि उस गली से मुझे सिर्फ टाइम ट्रैवल वापस लेके आ सकता था, वरना मैं अपने दम से नहीं आ सकता। मैं उसमें घुसा हूँ बिल्कुल एंड तक, लोगों ने अपने कपड़े सोना शुरू कर दी गाड़ी पे, कह रहे हमारी गली की अपनी खुद की गाड़ी हो गई। 4 बाइक वाले यहां से आए, 2 बाइक वाले यहां से, प्रेशर बना के निकल रहा है निकल रहा है, अबे निकल रहा है निकल रहा है, हम निकाल दें। बॉयज बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग बचपन वाली होता ना, बचपन में नुन्नी फंस गई जिप में, सब कह रहे हम निकाल दें, हम कह रहे हम निकाल लेंगे सर, आप परेशान मत करो हम निकाल लेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, अपने आपको भगवान मालिक है। अब होता क्या ना कि आप हर दिन ड्राइव करते हो गाड़ी, और आप ऐसे कोई है जो मतलब बहुत ही सिंपल गाड़ी चलाता है, सोबर ड्राइवर, एनी बड़ी सोबर ड्राइवर कोई, जैसे मैं बहुत सोबर ड्राइवर हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लेट सीखी ड्राइविंग।
मतलब मैं इतना सुपर ड्राइवर हूँ कि मेरी गाड़ी के आगे कभी किसी कुत्ते ने भौंका नहीं है। उसको लगता है गाड़ी खड़ी हुई है। जब मैं निकल जाता हूँ फिर उसको लगता है कि हमने गाड़ी ही ली। इतना प्यारा ड्राइवर हूँ। तो वो कहता है जैसे गुड़गांव में क्या एक NH-48 रोड है जो दिल्ली को मानेसर से जोड़ती है ऐसे गुड़गांव कैसे, तो मैं बिल्कुल ना रोड के एक्सट्रीम राइट पे चलाता गाड़ी। अब गूगल मैप इंडिया में आ गया, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सी रोड कब खुद जाए आपको आइडिया नहीं है। तो मैं गाड़ी चला रहा, आप यकीन मानो गूगल मैप ने डरते डरते मुझे बोला है, कह रहा सॉरी 10 मीटर पे लेफ्ट लेना था। इसने था का प्रयोग किया मेरे लिए। मैंने मेरी वाइफ ने दूसरे को देखा कि क्या करें, 2 किलोमीटर के बाद यूटर्न लेकर आए या मौत को टक से छूले आज। हमने कहा लेट्स ट्राई मौत फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने अपना स्टीयरिंग सिर्फ इतना घुमाया था, मेरे टायर ही घूमे थे, यहाँ पे इतनी सांस बनी सिर्फ इतनी। इसमें 6 बाइक वाले सुक 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 करके बाइक ले गए। यहाँ पर बाइक वालों को इतनी जल्दी है कि इनका बस चलना बिजली की तार के ऊपर से ले जाएगा। आपकी गाड़ी के होते साइड मिरर ऐसे होते, साइड मिरर मेरे ऐसे रहते हैं हमेशा। कह रहा भाई कुछ दिखता है, जिसको दिखता है उसके लगवा रखे हैं। मुझे तो गाड़ी के साथ फ्री मिले तो लगवा रखे, वरना पर्पस नहीं पता मुझे। इतना प्यारा। अब मैंने स्टीयरिंग थोड़ा और घुमाया, अब यकीन मानो पीछे बंदे ने एकदम से तसल्ली बख्श तरीके से एक सांस में ब्रेथलेस होकर मेरी माँ और बहन की प्रॉपर रिस्पेक्ट कर दिया। ऐसा लगा जैसे घर से गाड़ी की चाबी और मुंह में गाली लेके निकला था कि जो भी रास्ते में आएगा थूक दूंगा मैं उसके मुंह पे। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आपको इतनी ज्यादा गाली देने का मन करता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, तो आप गाड़ी का कांच बंद क्यों करते हो? मुझसे तो बात पहुंची नहीं थी। मैंने कहा भैया डमछरास खेल रहे हैं क्या हम लोग, हिंदी इंग्लिश क्या करूं मैं आपके साथ, बताओ मुझे आप। मैंने आपको बस संभाला ही था, उधर मैं थोड़ा सा और घुमाया, एक बंदे ने बोला अंधा है, और जो शब्द उसने बोले मुझे आज भी लगभग 1 साल हो गया हॉन्ट करते हैं। कहता अंधा है, और बोला क्या पिछवाड़े में है क्या तेरी आंखें। मुझे 2 मिनट लगा समझने में कि ये आदमी क्या भूल गया। एक बार तो लगा जिस कॉन्फिडेंस से बोला चेक कर लूं है क्या। मैं बस संभाल पा रहा था उतने में, उतने में साइड से लड़की निकली इनकी तरह, कह रही हे यू 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 यू। मैंने कहा बहन मैं दिल्ली से हूं, कंचे खेलेगी मेरे साथ क्या करेगी बता तू। मैंने फाइनली गाड़ी साइड में लगाई, मैंने कहा भगवान तेरा शुक्रिया, अब मैं गाड़ी जब भी चलाऊंगा बड़े आराम से चलाऊंगा, स्लो चलाऊंगा आराम से। अब मैं चलाता हूँ रोड के बीचों बीच गाड़ी। अब आप कभी गौर करना, हर दिन आप जब भी गूगल मैप से ट्रैवल करते हो ना, एक ऐसा मोड आता है जब आपको ये डिसाइड करना है लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, और इसी क्रूशियल मोमेंट पे गूगल मैप कहता है मैं चला। अब तू देख तेरी डैन। तो मेरी जितने भी यहां लोग बैठे हैं उनसे आज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी रोड पे जा रहे हो, एक फ्लाईओवर से पहले कोई अचानक से गाड़ी रुकी मिले, आप कोई गोल चक्कर से पहले अचानक से बीच में रुकी गाड़ी रुकी मिले, तो उसको रुकते ही गाली मत देना। वो बेचारा अपना इंटरनेट आने का वेट कर रहा है, जैसे ही आएगा चला जाएगा। अब आपने देखिए एक मूवी का नाम है K3G, वो कहते हैं कि जब भी आपको जिंदगी में कोई दिक्कत हो आप आंखें बंद करो और जो दिल से आवाज निकले उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आंखें बंद करी, पिछले 2 गाली और दी। कहता अंधा है, मैंने कहा पिछवाड़े में है मेरी आंखें। फिर दिल से आवाज निकली लेफ्ट ले लो। मैंने लेफ्ट लिया, पर कभी गौर करना आपको उस रोड पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप अचानक से अपने आप से सवाल पूछते हो क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं जिंदगी में सही कर रहा हूं। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है लेफ्ट या राइट। हमने लेफ्ट लिया, मैं आगे जा रहा हूं, उस रोड में जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 50 मीटर में आगे गया, मैं देख रहा हूं कि गूगल मैप अभी तक वापस नहीं आया, वो ऐसे घूमता घूमता ऐसे घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है भाई, कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा।
फिर मैंने हिलाया तो 60 मीटर का अपने वापस आ गया और कहता कि तुम सही कर रहे हो, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर दोस्तों ये सड़कें इंडिया की हैं। जैसे ही मैं 50 मीटर और आगे गया, मैंने देखा कि वो दोनों रोड आपस में मिल गई। मैं कहा हमसे दिल लगाया क्यों जब तोड़ना ही था आपको। ये देखा आपने, इसे कहते हैं स्टॉक्स, अपने पैसे को लाइव डूबते देखना। जिनको समझ में आया ठीक है, बाकियों के लिए माफी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी गौर किया कि जब भी आपको जीवन में लगेगा ना कि आप फाइनेंशियली ब्रोक हो रहे हो, एक इंसान या दोस्त पैदा होगा जो बताएगा तू स्टॉक नहीं करता, तू स्टॉक नहीं करता, पागल है क्या तू। और ये आपको वियर्ड से वियर्ड एग्जांपल देगा, आपको कह रहा तू कोलगेट करता रोज, इसका ले ले स्टॉक, कोई ब्रश करना तो बंद नहीं करेगा ना कभी भी, 100 का 100 पास हो जाएगा। कह रहा तुझे क्या लेना, मैंने कहा अंडरवेयर, कह रहा वो तो अभी ले ले, ये तो अभी कर लेना चाहिए आपको। मैंने कहा ठीक है डन कर, कोई अच्छी बात बता रहा है। फिर उसने बोला कि ना तेरा क्या प्लान है, मैंने कहा मुझे ना घर लेना है जीवन में। कह रहा बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो कह रहा पर नहीं, डाइवर्सिफाई करो अपना स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि एक ही जगह दे दो, नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों आज 5 साल के बाद मेरे पास सीमेंट का स्टॉक है, पाइप का स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, फिर इस साल बची थी लेबर, तो मैंने फिर TCS का ले लिया। ठीक है, अच्छा।